ये टीम्स को जरा एक बार राजेश सतपुरी जी के खाते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए इन टीम्स में से आपने प्रेफर्ड स्टॉक कौन कौन से पिक किए हैं, आपके दो टॉप कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। वीरेन, अगर यतीन जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया लगता है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन का चार्ट। फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, कल का दिन एक रैली हुई, लेकिन थोड़ी बहुत आप कह सकते कि बाजार के साथ थोड़ी लिक्विडेशन हुआ, लेकिन चार्ट में कोई डेंट नहीं है। सो केएनआर कंस्ट्रक्शन मेरा इसका टारगेट होगा कम से कम 300-310 का, तो बड़ा मूव यहाँ पे पॉसिबल है। प्री ओपन में ऑलरेडी 3% अप दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा चेंज करूंगा, 280 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, 300-310 इसका टारगेट होगा। नीरज जी के अगर टीम देखें तो जो सबसे बढ़िया है चार्ट वो है एक्साइड का, हालांकि चला है तो थोड़ा वॉच करके काम करें। एक्साइड में 500 के ऊपर हम बाय करेंगे, 505 पे खुल रहा है, 500 के ऊपर बाय रहेगा, 492 का स्टॉप लॉस रखें और 535 का इसका टारगेट है। मुझे लगता है ये एक स्विंग, ये एक शॉर्ट कवरिंग वाली रैली एक्साइड में अभी बाकी है, तो एक्साइड इज अ बाय एंड केयर एंड कंस्ट्रक्शन इज अ बाय। एक्साइड और केएनआर कंस्ट्रक्शंस वो दो टॉप ट्रेड्स चार्ट्स पर पसंद है। चलिए अब लेकर आते हैं वो सभी स्टॉक्स जहां पर नंबर्स का रिएक्शन, खबरों का एक्शन बनता दिखाई देगा मार्केट टॉप 10 में। और आज बिग बॉय टाटा स्टील के साथ ही दिन की शुरुआत होगी, जहां पर हमने देखा है इबिट्टा और ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है, भले एक वन टाइम लॉस के चलते प्रॉफिट पर दबाव आया हो, ये सबसे पहले आप स्क्रीन पर रखेंगे। दूसरी तरफ आप स्टॉक रखेंगे रेडार पर कमिंस का, एक शानदार तिमाही हमने देखा है, मल्टीपल क्वार्टर हाइस पर एबिटा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, मुनाफा खुद 75% बढ़ता हुआ, और कमेंट्री आगे के लिए और डिटेल में आएगी 10 बजे कॉन कॉल के बाद, तो वो ओपनिंग पर स्टॉक इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। जीएमआर एयरपोर्ट लगातार इस स्टॉक में हमने देखा है बढ़त देखने को मिली है और नतीजे अच्छे हैं, घाटा कम हुआ है, ऑपरेशनली बेहतर परफॉर्मेंस एयरपोर्ट्स में, पैसेंजर ट्रैफिक, एवरेज यील्ड पर पैसेंजर और बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब आते हैं बाटा, और बाटा को लेकर थोड़ी सी निराशा है। कंपनी कह भी रही है कि डिमांड स्लगिश है, लेकिन होपफुल है कि FY25 में डिमांड पिकअप होगी। आय मुनाफे तीनों में हमने देखा एक बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।